मम्मी पूछ रही थी, बेटा या ये क्या कर रही हो? मैंने बोला, मम्मी मम्मी मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें वो रोज के बीजों से रोज प्लांट को उगाते हैं, तो मुझे भी ट्राई करना है। मम्मी बोल रही थी, हट, कुछ भी बकवास करती है, रोज के बीजों से कभी रोज के प्लांट उगते हुए देखे हैं? तो चलो मैं भी सोची, मैं ट्राई करके देखती हूँ, चलो कौन जीतता है बोलो, मैं जीतती हूँ या आप जीतते हो? तो देखो मैं अभी रोज के सीड्स ना कलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में अभी रोज के सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये सारे रोज के सीड्स अभी हो रहे हैं कलेक्ट। अभी आपको देखना है मम्मी जीतती है मैं जीतती हूँ। मुझे तो लगता है मैं ही जीतूंगी, इतने सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो जो बनाए हैं इस पे। तो देखो ये सारे अपने रोज के सीड्स कलेक्ट हो गए हैं। अभी इनको ना हमको खोलना है। तो खोलेंगे कैसे? मेरे पास तो ये नाखून है, तो मैं काय को कटर लाऊं? तो मैं अपने नाखूनों से इनको खोल रही हूँ। तो देखो अभी ये सारे कितने पूरे पके हुए सीड्स हैं, कुछ हेरा फेरी नहीं लिए हैं, पके हुए लिए हैं। यानी इसमें के अंदर के बीज जो है वो पूरे मैच्योर हैं। इन बीजों को हम उगा सकते हैं। और जो ये बीज होते हैं ना रोज प्लांट के, वो जो उगते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में उगते हैं, जब टेम्परेचर ना आपका 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होता है, तब आपको रोज उगाना चाहिए। ऐसे मैंने पढ़ा है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट से क्या होता है। तो ये जो सारे पके हुए सीड्स हमने निकाल लिए, ये देखिए इस तरीके से, इसमें से अभी एक प्लांट, एक जो सीड पॉट है उसमें से 3 मिले, और ये देखिए इतने सारे सीड्स मेरे पास हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, इनको मैं करूँगी रेफ्रिजरेट, यानी फ्रिज में रखूँगी। तो इनको मैं रखने वाली हूँ 18 दिन फ्रिज में, ऐसे यूट्यूब वीडियो में बताया था। हाँ तो अभी देखते हैं मम्मी जीतती है या मैं जीतती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है ऐसे वीडियो सच होते हैं। तो चलो इनको रखते हैं। ये देखिए पूरे बीज हमने रख दिए। अभी हम इनको डाल देते हैं अपने फ्रिज में। इनको कोई टिश्यू पेपर विशू पेपर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको ये इसीलिए रख रहे हैं ताकि ये अपना जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर थोड़ा 12 के आसपास है, 10 तक जाने के लिए देखते हैं। तो अभी हो गया 18 दिन, तो अभी मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अभी भी मम्मी बोल रही है ये जर्मिनेट नहीं होगा। मैं बोलती हूँ ना होगा जर्मिनेट, क्यों नहीं होगा, बादाम हो गए, अभी रोज के सीड्स भी होंगे। तो चलो खोलते हैं 18 दिन बाद इसमें क्या है। तो ये देखिए अपने सीड्स पूरे अच्छे से पक गए हैं, रेडी हो गए हैं और ठंडे भी है। तो इनको ना हमें जर्मिनेट करना है कोकोपीट में। तो अब हम अपने गार्डन में ले लेते हैं ये छोटा सा कोकोपीट और उसमें ये डाल देते हैं सीड्स। अभी भी मम्मी बोल रही थी कि नहीं होगे नहीं होगे, मत कर मत कर, पर मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, मैं तो करूँगी। हाँ देखते हैं मैं करूँगी इसको। मैं अभी कोकोपीट में ये पूरे सीड्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने ना सिर्फ कोकोपीट लिया है, दूसरा कुछ भी नहीं लिया है। ये देखिए पूरे अभी इसको फैला देते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर और एक कोकोपीट की परत हम डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मेरा कोकोपीट है और उसकी एक परत मैं इस पे डाल देती हूँ। भी ये हो गया। और अभी इसको क्या करना है ना, हमें पूरे ढक लिए इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करना है, यानी इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको ज़्यादा मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है और कम टेम्परेचर की, तब भी ये सीड्स जर्मिनेट करते हैं। तो चलो हम ट्राई करते हैं इनको जर्मिनेट करना। तो ये देखिए ये पूरा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, पूरा इसको अच्छे से पानी से ऐड करना है। और हाँ एक बात ध्यान रखनी है, जिसमें भी आप इसको रख रहे हैं ना उसको नीचे से ड्रेनेज के लिए होल होना चाहिए, यानी नीचे से जब भी आप पानी डालें तो इस तरीके से नीचे वो चला जाना चाहिए, बस आपकी सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट रह जाए। तो इसको इस तरीके से शेड में रखते हैं, इसको तो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको पॉलीथीन कैरी बैग कुछ भी नहीं बांध रहे हैं। तो देखिए इसको अभी हम रखते हैं जब तक सीड्स उगेंगे तब तक। तो चलो
अभी ये फर्स्ट नास्ट्रेशियम का मेरा फ्लावर आ गया है और बड़ी खुशी हो रही है कि विंटर फ्लावरिंग एटलीस्ट मेरे गार्डन में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारी रेन की वजह से इस बार सारा गार्डन बिखर गया है। और कुछ कलंचू भी कोई कमेंट में पूछ रहा था ना कि आपके कलंचू की अपडेट दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये कलंचू भी मेरे फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसका ना पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके जाओ। बाय।